हेलो, राम राम जी। स्वागत है आज के नए व्लॉग में। और मैं यूट्यूब चैनल कविता जी व्लॉग में, टाइम हो रहा है 1:15, और इस टाइम मैं चली हूँ बाजार में। बाजार में लग रहे हैं शॉपिंग पे, क्योंकि कुछ ही दिन बने हुए हैं। तैयारी तुरी सी करके रख देंगे, फिर आगे दिवाली करवे 70 त्योहार आने लग रही हैं, तो इस करके ना मैं चलो। ये देखो, एक थैला कुछ शॉपिंग कर ले आई थी मैं, कुछ फिर इनकी लैस लूस लेके आऊंगी आज, और फिर दूंगी सिमणे, कुछ अपना आप सिमूंगी। तो मैं चल रही हूँ बाजार में। दोपहर ना 11 बजे का काम बने रहा मेरा, बस हरकत की मारी एक दोपहर ना निकलूंगी। तो चलो, हेलो। सुबह का टाइम है तो मैं बना रही हूँ आज मूली। आज मूली की भुजिया बनेगी, क्योंकि मूलियाँ आ चुकी हैं, साग आ चुका है। साग तो अभी मैं मेरा मन नहीं करता लाने का, क्योंकि लाने का नहीं, लाने का। तो थोड़े पल पत्ते हैं, छिदे छिदे से आवे हैं, बस 10 दिन में और बढ़िया पालक आ जाएगा, साग आ जाएगा। मूली अच्छी थी तो इसलिए मैं मूली लेके आई हूँ, और आज बनाएंगे मूली। और आज ब्लॉग तैयार करेंगे, तैयार पड़िया एक, लेकिन वॉइस ओवर करनी है, उसका जी नहीं कर रहा। और तो कुछ नहीं, थोड़ा देख लिया करो वीडियो को, तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। मैंने ये पत्ते छांट कर रख दिए, ये गिर दिया कपड़ा, उसकी तरफ ध्यान मत देना। और उसके लिए मैंने उबाल रखे है ये नमक का पानी, इसमें उबालूंगी, फिर दोबारा कुकर में डाल लूंगी, क्योंकि जो भी कीड़ा काड़ा होगा इसमें, जो भी होगा इंसेक्ट वगैरह, वो सब मर जाएगा नमक का पानी में। फिर इनको छील के फिर कुकर में चढ़ाऊंगी। चोट लगी, आई लील पड़ गया एकदम। मेरा बेड है ना, बहुत निकम्मा है, पैर ते सड़ गया अल्लाह था। और लग गई, देखिए लील पड़ गया, ये बड़ा इतने लग गई। कर्म इधर ही रहा है जब लगनी हो, पहले नहीं पैर ठीक हो रहा था। तो करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो देखो, अभी मेरे पास एक ये चुन्नी थी पीली, हल्दी के लिए तो मैं इस पे ले आई हूँ, लेकिन दिखाती नहीं अभी, बाद में देखना, लेकिन इस पे ही लेकर आई हूँ। तो यूं खुद सीमूंगी और दिखाऊं। अच्छा, एक मेरे पे ये स्कर्ट पड़ी है, ये तैयार करूंगी। इसके ऊपर चुन्नी भी है, लेकिन बीच का और इस पे लैस लूसी लगाऊंगी, दोगे। और एक स्कर्ट मेरे पे यह पड़ी है रेड वाली, इस पे भी मैं लैस लूस लगाऊंगी, चुन्नी इसकी पड़ी है, तो एक ये तैयार करूंगी। और आप लोगों को चुन्नी ये है उस ग्रीन वाली की, और रेड वाली पे मैं ये सोच रही हूँ ग्रीन चुन्नी, क्योंकि इसमें ग्रीन बुट्टियां हैं। और उसके बाद ये कमीज पड़ा है मेरे पे, इस पे मैं हरी सलवार लेके आई हूँ, चुन्नी यही चलेगी, तो ऐसे ही काम चलाऊंगी। वैसे खर्चा भी मैंने भी बतेरा कर दिया, न्यू तो है नहीं भी, खर्चा नहीं करया, लेकिन कई ड्रेस तैयार होगी। और एक मेरे पास ये चुन्नी पड़ी है बिल्कुल न्यू की न्यू नवी, तो एक इस पे सूट लेके आई हूँ, वो भी फिर मैं बाद में दिखाऊंगी।
एक मेरे पास ये साड़ी की स्कर्ट बनवाई थी, ये पड़ी है, इसकी चुन्नी भी पड़ी है, इसके ऊपर कमीज लेके आई हूँ, वो भी तीन स्कर्ट, एक हल्दी का सूट, एक इस चुन्नी पर सूट, और एक ये, तीन दो पांच छह, और चार मैंने गर्मियों में लिए थे सूट, वो सारे ही 1200 लेकर ना, और 1700 1750 तक के हैं, 2000 से नीचे नीचे है सारा माल मामला मेरा। अब की बार मैं महंगे कपड़े नहीं लूंगी, क्योंकि फिर महंगा ना बाद में पहन जाता, और क्या हुआ है महंगे खिसकन का डर हुआ है, फिर बड़ा दुखा हुआ है। मैंने पिछली शादी में सारे सूट 2 2500 से ऊपर ऊपर के लिए थे, 6 सूट, और फिर देखो उनकी लोन देख लियो और सिलाई देख लियो, सारे ऑल ओवर में वो थी, लोन लगी थी उस टाइम पे, 500 500 रुपये सिलाई ली थी, 6 साढ़े 6 साल पहले की बात है, तो देखो कितने में पड़ गए होंगे मेरे सूट, जिसमें तो मैंने दो तो तैयार करवाए थे, मेरी फुलकारी है उसके ऊपर कढ़ाई कढ़ुई करवाई थी, बहुत महंगे होया था सारा कुछ, कपड़ा भी बहुत महंगा आया था वो, तो अब की बार भी बस मैं इतने नहीं, भाई यह है सारा टूट फूट सा, चार सिमाई हैं, चार सिम मैं तो दो मैंने पहन लिए, दो मेरे रखे हैं वो मैं कोई पे करवा वह पहन लूंगी, फिर बाकी बाद में ब्याह में चल जाएंगे सारे के सारे। तो ये तो थे मेरे सूट, और जो मैं एक थैला ना लहसा का भर के लेके आ रही हूँ, इसमें ना दो स्कर्ट है, दो स्कर्ट, मैं ये सोच रही हूँ भी हम मौसी बेटी एक सी ड्रेस तैयार करवा लिया किसी भी फंक्शन के लिए, तो उसका मेरा सेम सेम गेटअप होगा, तो मैं सेम कुर्ती सेम मरियो है, चुन्नी देखो भी कैसी है, उसके पास अगर नहीं है लेकिन देखनी पड़ेगी, मेरे पास तो है, और सेम ही लेस सब कुछ, तो और एक मेरे पास ये मैंने सूट सिलवा लिया था घर से लेके आई थी, तो इस पे ना हल्की हल्की सी कढ़ाई है बिल्कुल, तो जैसे दिवाली है दिवाली पे पहना जावेगा, और इस पे लगाने के लिए मैं ये लेस लेके आई हूँ, ये एक और दो लेके आई हूँ, मैं बहुत बहमन लगाई हूँ, जब मैंने कोई कपस चीज पसंद आ जानी तो मैं वो ले लूँ, ये दो डाल के, एक तो ये लेकर ही फूल वाली और एक और दूसरी है, देखते हैं भी कौन सी लगाऊंगी, एक बार थोड़ा हाथ टचअप करके देखूंगी, अगर अच्छी लगी ये तो ये लगाऊंगी, अगर वो अच्छी लगी तो वो लगाऊंगी, और मेरा काम दाम सारा कंप्लीट हो चुका है, आज मैं बैठती हूँ इसके ऊपर, मेरी स्कर्ट तो तैयार हो रही है और गुड़िया की करनी है, वो कुछ सिल रही है कुछ रह रही है, तो साथ में ही कर लूंगी दोनों, तो ये अपना एक व्लॉग बना पड़ा मेरा, मैंने अपने प्लांट्स वगैरह चेंज करे थे तो उनका ऊपर बनाया था, लेकिन वॉइस ओवर करनी थी तो इस, और जी नहीं करता बिल्कुल भी, जी क्यों नहीं करता, अब लोग बिल्कुल भी नहीं देखते, सिर्फ और सिर्फ 110 व्यूज आ रहे, के बना उसमें, तो मेरे पे कमेंट आ रहा था भी अब लोग क्यों नहीं बनाते, तो लोग ना बनाने का यही कारण है कि कोई देखता तो है ही नहीं, थोड़ा मन डाउन सा हो जाए है, तो अब सोच रही हूँ भी चलो कर ही लिया जाए, जो सा बनेगा वो डाल दिया करूँगी, 2 4 मिनट का 10 मिनट का, बाकी का अपना देख लियो, चलो कल मैं थोड़ी ही वीडियो बनाई थी, मैं बाजार में गई थी तब की, और बस स्टार्टिंग किया था व्लॉग, फिर थोड़ी सवेरे बनाई है चाहिए बे, बाकी का फिर व्लॉग अगले व्लॉग में तैयार करूंगी, तो चलो बने रहो मेरे साथ, नहीं बने नहीं रहो, ये खत्म होने वाला है, अगला शुरू करूंगी।